हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सी एस रितु। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एमएमटीसी के शेयर के बारे में। एमएमटीसी यानी कि मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है। क्या चल रहा है इस कंपनी में, क्या न्यूज़ है इस कंपनी से रिलेटेड, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं कंपनी के शेयर के प्राइस का एनालिसिस, कंपनी का शेयर प्राइस कितना चल रहा है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस शेयर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी के शेयर का एनालिसिस कर लेते हैं। तो कंपनी के शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 44.05। ये कंपनी के शेयर का वन डे चार्ट है। कंपनी का शेयर आज 4.38% इंक्रीज होके बंद हुआ है। तो क्या रीजंस हो सकते हैं इतने फॉलिंग मार्केट्स में भी शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अगर देखें आज की बात करें तो आज इसने 4.38% का रिटर्न दिया है, और अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो कंपनी के शेयर का प्राइस 23 अगस्त को 40.45 चल रहा था, जो कि अभी 4.05 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिछले 5 दिन में कंपनी का रिटर्न हुआ है 9.71% का, तो जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। तो क्या रीजन हो सकते हैं कि कंपनी के शेयर का प्राइस इतना बढ़ रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अनाउंसमेंट इस कंपनी के शेयर में जो हुआ है कि कल कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। क्या एजेंडा है इस मीटिंग का? इस मीटिंग का एजेंडा है कि कल कंपनी के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे 30 जून के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सबके अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स इतनी लेट से क्यों आ रहे हैं, इसका भी मैं रीजंस आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो कंपनी के शेयर में कल मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, कल कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर आप कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो कल का दिन इस कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि सबसे बड़ा कारण क्या है कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स इतने टाइम से क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी ने NSE से, स्टॉक एक्सचेंजेस से टाइम मांगा था कि उसका टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दिया जाए फाइनेंशियल रिजल्ट्स 30 जून क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज करने का टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए। क्यों? उसका रीजन सबसे बड़ा कंपनी ने खुद यहाँ पर बताया, ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन MMTC। कंपनी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके ऑफिसेज डाउन साइज हो रहे हैं, और उसके मैन पावर, उसका जो स्टाफ है वो VRS के थ्रू उसमें रिडक्शन किया जा रहा है, कंपनी के स्टाफ में रिडक्शन किया जा रहा है, और कंपनी के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर उसमें अकाउंट्स आने में देरी हो रही है, CAG के क्वेरीज को भी वो एड्रेस कर रहे हैं। इन सब रीजंस की वजह से कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अभी तक नहीं आ पाए। जहाँ अगर आप ये सोच रहे हैं कि सबके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ गए, इस कंपनी के क्यों नहीं आए, तो ये था इसका डिले का रीजन। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज से एडिशनल टाइम मांगा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।